नाशी बोल रही हूँ। मीता मैम सब आ गई? नहीं आई अभी तक, पर वो तो कल आने वाली थी ना सब लोग। तो क्या कोई फोन आया अगले हफ्ते? अगले हफ्ते आएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलना, नहीं देहरादून का एसडी। मैं नाशी। हाँ कैसे हो तुम? अच्छा मानसिंह, मम्मी मम्मी को जरा फोन देना। मम्मी क्या, मम्मी घर में नहीं है? और पापा? पापा भी नहीं है। नहीं मैं दोबारा फोन करूंगी, बाद में करूंगी, कल कभी। ठीक है, बस कहना मैंने फोन किया था। ठीक है, ओके ओके। फोन, 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 फोन,
ओके बस बस अच्छा चलो अंदर चलो अंदर चलो बस अच्छा अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो बस क्या अपने भविष्य के बारे में आपने गंभीरता से कभी सोचा है? नहीं ना? तो पेश है जब जब तुमको यहां कोई ना कोई तकलीफ है, दम घुट रहा तुम्हारा, यहां क्यों पड़ी हो तो समझ नहीं आ रहा है। जाओ, चले जाना चाहिए था जब टाइम था जाने का, तब। अब नहीं, अब मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये आपका प्रॉब्लम है मैडम, मेरा नहीं। Why should I shut up? मैं क्यों चुप करूं? मैं तुम्हारी सबॉर्डिनेट नहीं हूं। हो, औरत हो औरत की जगह रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। कोई शौक नहीं है मर्द बनने का, लेकिन मैं तुम्हारे पैर की जूती बनके भी नहीं रह सकती। जब देखो गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, कोई आदमी अपनी बीवी से ऐसे बात करता है जैसे अभी तुमने मुझसे की। तो क्या करूं? तुम्हारी पूजा करूं मैं? सर पे बिठाकर कौन तुम? जरा इज्जत से पेश आओ मुझसे, आई एम योर वाइफ। क्या चाहते? What do you want? मैं तुम्हारे बराबर का हक चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर इक्वल। बराबर का हक चाहिए तुमको? बराबर का हक चाहिए? बराबर का हक चाहिए तुमको? बराबर बनो, सब कुछ घर बैठे आसानी से मिल जाता है ना तुमको, उसीलिए सारा आसमान पे चढ़ा हुआ तुम्हारा। क्या मिल जाता है, क्या आसानी से मिल जाता है? सुबह से शाम तक यही घिसी पिटी रूटीन है। ये किचन है, वो बेडरूम है, ये दरवाजा है, दिस गॉडडैम फोन। मुझे मेरे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ 10 मिनट चैन के मिले कभी घर में। मुझसे अच्छी तो ये बाई है, महीने में कम से कम 2 दिन छुट्टी तो मिलती है इसको। आई एम जस्ट सफोकेटेड हियर, इट स्टिंक्स यू नो। सारा दिन काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू वांट मी टू बी परफेक्टली चार्मिंग विद यू इन बेड, नॉट बिकॉज यू वांट मी, इट्स जस्ट योर गॉडडैम हैबिट बिफोर गोइंग टू स्लीप। आई एम वार्निंग यू। नाशी, टेल मी व्हाट्स महेश लाइक? ठीक है, ही इज नाइस। ठीक है, बड़ा चार्मिंग है यार। You're the most irresponsible, self-centered, selfish woman I've seen in my life. लेकिन यही सब चीजें अपनी बीवी में हो तो disqualifications हो जाती हैं, minus points, double standards. आप जरा चुप रहेंगी? ये जो आपकी मिस चार्मिंग है ना, इनको अगर 36 घंटे की चक्की में पिसना पड़े ना, तब देखें इनका poise और कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। Shut up, will you? उसके बाद शादी की और फिर बस सब कुछ खत्म। ये क्या कहा तुमने? क्या कहा? ये जो भी तुमने कहा कि शादी हो गई फिर सब कुछ खत्म हो गया, ये क्यों कहा? ऐसे ही यार, मतलब सीरियस नहीं हुई। नहीं, पर मजाक में इतनी बड़ी बात, ये क्या आदत होती है आदमियों की, मजाक में रन डाउन कर देना बीवी को या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, रन डाउन कर देना बड़े आराम से। ऐसे क्यों करते हैं आदमी, और इतने फकर से क्यों कहते हैं कि उसके बाद सब खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई? मतलब why you tell me? नहीं, लेकिन क्यों? मतलब एक औरत जब शादी करती है तो वो ये सोचती है कि शादी होने के बाद मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा होगा। एंड why does a man say? आदमी क्यों कहता है कि बस उसके बाद सब खत्म हो गया? किसी लल्लू राम से शादी कर रही थी जो तुम्हारे आगे पीछे दुमहिलाता घूमता रहता था। जिंदगी आराम से कट सकती थी। बकवास बंद करिए, समझिए आप? And shut up, that's it. How dare you talk to me like that? मैं जो फील करती हूँ मैं बात कर भी नहीं सकती? जी नहीं, आपको मालूम है मुझे बकबक करने वाली औरतों से सख्त नफरत है। मुझे समझ में नहीं आता तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। Why did you ever marry me? गलती की, नहीं करनी थी मुझे। तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? मैं सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। What? Yes. मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो खूबसूरत हो, चार्मिंग हो,
अच्छी पत्नी, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी माँ। एंड बाकी बहुत सी चीजें हैं, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, शी हैज टू बी ग्रेट लवर टू। हो सकता है परिस्थितियां आज आपके साथ हैं, आपके पास दौलत और सेहत है, फिर भी आप माने। अच्छा विकी बेटा, बता दूंगी। नहीं नहीं, अब तक तो आ जाती है वो, बस आती ही होगी। अच्छा अमित, सुबह बता दिया था नन्नू को कि विकी का फोन आया था? हाँ मां, बता दिया था। कब बताया था? अरे मामा, उसको बता भी दिया था, उसे सुन भी लिया था और समझ भी लिया था। देखो मामा, आप ना गधे को पानी तक तो ले जा सकते हो, उसकी जगह पानी नहीं पी सकते हो। मामा, इट्स हर लाइफ, उसको फोन करना होगा तो कर लेगी ना, आप क्यों परेशान होते रहते हो, मेरे को भी काम नहीं करने देते। लो आ गई है वो, उसके सामने ऐसी बातें मत करने लग जाना। मामा मैं तो कुछ करता भी। अरे इधर आओ मामा, आपको पता है कितनी लड़कियां थी? There were 40 girls, 40 लड़कियां, and they have to select only 8 girls. Butterflies in the stomach, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओह गॉड, अरे तो तुझे देर हो रही थी, कम से कम फोन तो कर देती, कितनी परेशान हो गई थी मैं। पर मामा मेरा मेडिकल था, आपको पता तो है। और क्या, सबको परेशान करके रखा हुआ है। अरे कम से कम एक फोन तो कर देती तुम, तुम्हारी वजह से हम दोनों बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। तुझे क्या हो गया? डोंट टेल मी तेरा कंप्यूटर फिर से खराब हो गया। गुड, सर्व्स यू राइट, अभी अपना दिमाग यूज करो बच्चों। जस्ट ले ऑफ विल यू अमित। अरे क्या बात है, यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सबके मुंह लटके हुए क्यों? सुबह विकी का फोन आया था, तूने उसे बात क्यों नहीं की? मैं तैयार हो रही थी। उसके बाद? उसके बाद मेरा मेडिकल था, मैं भूल गई, आदमी भूल भी नहीं सकता है। मम्मी आपको पता है, अगर मैं सिलेक्ट हो गई ना तो लंदन और न्यूयॉर्क तो समझे वाली बात है। आई विल बी गोइंग टू पेरिस, टू वेनिस, टू रोम, टू वियना, टू नैरोबी। अन्नू तेरा ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ और उसका रवैया अच्छा लगता है आपको? वो विकी कल रात को रास्ते में सड़क पे छोड़ के चला गया मुझे, उस बात से तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना? वो गलती करे और मैं उसके पीछे भागू, मैं नहीं फोन करूंगी उसे। विकी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। हाँ वो तो गलत काम कर ही नहीं सकता। मम्मी आप ये विकी वाला सीन है ना, इसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो प्लीज, मुझे पता नहीं आपको उनमें क्या नजर आता है। जब देखो विकी 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 विकी, आई थिंक इस बिहेवियर इज स्टूपिड। ये लो, जिस लड़के से शादी करनी है उसी को स्टूपिड। बेटी उसके घर वालों को हमें भी तो कुछ जवाब देना है, आखिर इस तरह कब तक टालते रहेंगे? घुमाने फिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, विकी उनमें से नहीं है, वो तुझसे शादी करना चाहता है, और ये कोई छोटी बात नहीं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, कम से कम कोई तो मुझसे शादी करना चाहता है, नहीं तो मुझ जैसी लड़की से कोई शादी करेगा, आई शुड बी ग्रेटफुल, एहसान तले दब जाना चाहिए मुझे, है ना? ए अनु, ये क्या तरीका मम्मी से बात करेगा, तमीज है तुमको? तू बिल्कुल बीच में मत बोल, हद है, मेरी लाइफ है और सबको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड बेटर देन मी। अनु तुम्हें अगर इतनी अपनी लाइफ की बड़ी है तो बाहर जाकर अपनी लाइफ क्यों नहीं लीड कर दी? जब से घर पे आती हो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हो तुमने, तुम जब तक घर से बाहर रहती हो ना कम से कम चैन तो रहता है इस घर में। हाँ तू तो चाहता ही है ना कि मैं घर से बाहर ही रहूं, मेरी तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है, मेरी पसंद नापसंद जाए बाहर में, तू चाहता है घर खाली हो जाए और मम्मी मम्मी जस्ट वांट्स टू गेट फ्री ऑफ मी। बहुत हल्का करो, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? जा रही हूं ना, मैं जा रही हूं। गो अवे, धमकी किसको दे रही हूं? नोबडी लव्स मी एंड नोबडी केयर्स अबाउट मी। डोंट टॉक टू मामा लाइक दिस। शट अप, गो, आई एम गोइंग। अरे कहां जा रही इतनी रात को? आप कोई चिंता मत करो, ये कहीं घूम फिर के वापस आ जाएगी, कहां रहेगी इतनी रात को? Thank you.
हेलो मामा, नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हो एकदम? नहीं मामा, ऐसे ही कुछ, दो तीन दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई थी और नाशी बहुत कह रही थी जरा फोन करके बात करें आपसे और पापा से। कोशिश कर रही थी, मैंने देखा उसे। पापा कैसे हैं? मामा नाशी इतनी देर तक ट्राई कर रही थी आपको फोन, थकी भी थी सारा दिन से, वो अब भी सोने गई है मामा, आप कहें तो मैं। हाँ बच्चा सब एकदम ठीक है मामा, सब ठीक है, सारा दिन खेल रहा था वो। हाँ मामा आई विल, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें मामा, बाय बाय। चेहरे की क्या हालत बना रखी है? मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। क्या? महेश ने फिर से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, सबको छोड़ छाड़ के आ गई। तुमने वो अबॉर्शन करा दिया, अपने बच्चे को गिरा दिया। ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बड़ी गलती की तुमने। नहीं नहीं नहीं, अरे मर्द और औरत के बीच रोज झगड़े हो जाते, सुबह सलाह सुलह हो जाती, और तुमने एक झगड़े की वजह से अपने बच्चे को मार डाला। हो गया सो, हो गया। जोशी आंटी, आंटी देखिए ना, मामा कितना अनरीजनेबल हो रही है मेरे साथ। घर में ना कोई मुझे समझता ही नहीं है, बस एक ही रट लगा हुई है, शादी कर लो शादी कर लो। आई मीन हद है, आई ओनली वॉन्ट टू लिव माई लाइफ यू नो। थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान।